रतिया में एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने आज शहर के गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्कूलों में अनेकों खामियां पाई। स्कूलों में देखा गया कि कंप्यूटर धूल फांक रहा है और कई सिस्टम बंद पड़े हैं। इतना ही नहीं, पीने के पानी को लेकर भी कई दिक्कतें पाई गई है, जिसको लेकर एसडीएम ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और स्कूल प्रिंसिपल को सख्त निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अंदर ही अंदर सभी खामियों को दुरुस्त करें, वरना इस मामले पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने गर्ल्स स्कूल की और बॉयज स्कूल की रतिया की दोनों की निरीक्षण किया है। उच्च और डीओ साहब मेरे साथ रहे हैं। तो स्कूल के निरीक्षण के दौरान तीन चार चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। एक तो क्लास में जो टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, एक साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है, एक पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है और बच्चों को किताबें मिली या ना मिली। तो इसमें जो है कि मुझे दोनों स्कूलों में कुछ कुछ जो है सही चीज़ें भी मिली कि क्लास में टीचर्स जो भी थे अवेलेबल मिले हैं, बच्चे ऑर्गेनाइज तरीके से थे और जो है हर क्लासरूम में पंखे भी चले हुए थे, बिजली भी थी सर। लेकिन जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो दोनों जगह जो है मुझे काफ़ी खस्ता हालत में मिली है। उसके लिए मैंने प्रिंसिपल्स को निर्देश दिए हैं कि वो जो है सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखें। पीने के पानी को लेकर भी जो है कुछ शिकायतें थी मेरे पास, तो एक दो जगह ऐसा पता लगा है कि उन्होंने तुरंत ही तैयार की है, लेकिन प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया है कि पीने के पानी की सुविधा जो है वो सुचारू रूप से चला दी जाएगी। और जो कमियां और अन्य मिली हैं, जैसे किताबों की शिकायत थी, तो छठी क्लास तक तो बच्चों को किताबें मिली हुई है। सातवीं क्लास की बुक्स जो है जो पुराने बच्चे थे उनसे लेके दी हुई है, मैंने खुद देखी है बच्चों के पास, सातवीं क्लास के बच्चों के पास। और अगर बोर्ड की तरफ से या जो डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे